देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनाव देश की दहलीज पर दस्तक दे चुके हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल अब इस कवायद में जुट गए हैं कि सबसे तो पहले तमाम लोकसभा सीटों पर अपनी मजबूती बनाई जाए, उसके बाद जो विरोधी दल हैं, विरोधी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नेताओं को अपनी पार्टी में किस तरीके से शामिल किया जाए, और फिर जब चुनाव आते हैं, चुनाव सर पर होते हैं, तो नेताओं का पाला बदलना यह बेहद ही आम हो जाता है। लेकिन क्या हो जब सत्ताधारी दल के नेता विपक्षी दलों में जाने लगे, तो वाकई में सत्ताधारी दल की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, और कहीं ना कहीं इशारा इस बात का करती है कि वो जो राजनीतिक पार्टी है, जो सत्ता पर काबिज है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एंटी इनकंबेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर है। जी हां, बात हो रही है आम चुनावों की, तो बात हो रही है यहां पर भारतीय जनता पार्टी की। रविवार को भी बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा। हरियाणा की हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने सुबह पार्टी के सांसद से इस्तीफा दिया, पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया, और उसके बाद कुछ ही घंटों के भीतर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। लेकिन ये अब पहली बार नहीं हुआ है, या ये कहें कि ये पहला मामला नहीं है, ये बीजेपी के पहले नेता नहीं है हाल में जिन्होंने पार्टी छोड़ी हो। इससे पहले कई ऐसे नाम आ चुके हैं बीते कई दिनों में जो बीजेपी की सदस्यता छोड़कर विपक्षी खेमों में शामिल हो चुके हैं। आम चुनावों की बात है, दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, यानी कि ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश में न केवल हाल में सपा में बीजेपी के कार्यकर्ता, बल्कि यूपी में बीजेपी के नए सहयोगी दल के रूप में साथ आई रालो जयंत चौधरी की आरएलडी के भी कई नेता बीते शनिवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं बीजेपी की तैयारियों को लेकर के, कई सवाल उठ रहे हैं आम चुनावों में मुख्य रूप से यहां इंडिया गठबंधन की तैयारियों को